दिस इज गिवन फॉर यू, हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो एंड टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. यानी कि अगर आपका जो एक्स की वैल्यू है नेगेटिव है देन जो आपकी फंक्शन की वैल्यू होगी दैट विल बी वन. एंड अगर आपका एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो है दैट इज इफ इट इज पॉजिटिव तो आपका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी टू. यू आर गिवन दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देन दिस इज टू. नाउ इफ यू वॉन्ट टू प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस अगर हम इसके लिए रफली जो है ग्राफ प्लॉट करें तो हमें x की हर नेगेटिव वैल्यू के लिए यानी कि जहां पे आपका x जो है वो लेस देन जीरो आपको गिवन है वहां पे अगर हम लेके चलें ये आपको पता है दिस इज ऑल योर नेगेटिव साइड. तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू जो है जब x लेस देन जीरो है तो f ऑफ x की वैल्यू आपकी वन है. सो इफ दिस इज वन तो इस वाले हर पॉइंट के लिए इस जो है नंबर लाइन के हर पॉइंट के लिए x की हर वैल्यू के लिए जो आपकी f ऑफ x की वैल्यू है वो वन आए यानी कि उस केस में आपका ग्राफ बनेगा ये एट x इक्वल टू जीरो ऑल्सो दिस इज वन. अब जब हम बात करते हैं x ग्रेटर देन जीरो यानी कि जब x आपका पॉजिटिव है मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव x एक्सिस तो हमें f ऑफ x की वैल्यू कितनी गिवन है टू. यानी कि x पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा. इट मीन्स जब मुझे x लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैंने चौक को पेन को ऐसे मूव किया पेन में लिफ्ट करूंगी चौक में लिफ्ट करूंगी देन ओनली आई विल बी एबल टू डिपिक्ट द ग्राफ ऑफ दिस x ग्रेटर देन जीरो जो f ऑफ x हमें दे रहा है टू. अब इसके लिए और इसके लिए क्योंकि आई हैव टू लिफ्ट द चौक तो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस. सेम वे में वी आर हैविंग if x is not equal to 0 then f of x is 1 and if f of x is if x is equal to 0 not equal to 0 pe this is 1 and if x is equal to 0 to this is 2. ab jab hum iska graph plot karenge to x not equal to 0 means 0 yahan pe hai aapka x to is point ke alawa for all values of x which are negative फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर पॉजिटिव एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट को छोड़ के एक्स की बाकी सभी वैल्यूज के लिए जो आपका एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या है वन. यानी कि ये इधर गया इसको छोड़ दो और ये इधर गया. अब एक्स इक्वल टू जीरो पे यू आर हैविंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू यानी कि दिस इज योर पॉइंट जीरो कॉमा टू. तो एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट को प्लॉट करने के लिए आई हैव टू अगेन लिफ्ट अप माई चौक. तो यहाँ पे अगेन दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे वो आपका क्या आ रहा है टू. अगेन अगर हम इस चीज को छोड़ दें ग्राफिकली हम छोड़ दें इसको तो आपने आपको प्लस वन में करवाया गया होगा कि इफ वी आर टू चेक वेदर अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट व्हाट वी आर टू डू वी आर टू चेक इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट इट्स राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. अगर ये तीनों आपके इक्वल है then we say that the function is continuous. अगर ये तीनों equal नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि function जो है वो आपका continuous नहीं है. आपने जो plus one में ज्यादातर questions किए थे उसमें एक unknown की जो है value निकालने वाले questions किए थे. अब हम जो है इसको thoroughly करेंगे. Now just see your example 3. This is at page number 149. Discuss the continuity of the function f given by f of x is equal to mod x at x is equal to 0. हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. अच्छा एक चीज का और आपने ध्यान रखना है जैसे यहाँ पे मुझे गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स आई हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो. एक्स इक्वल टू जीरो पे मैं कॉन्टिन्यूटी चेक कर रही हूँ मीन्स आई विल चेक द लिमिट स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ दिस जीरो टू द राइट ऑफ दिस जीरो एंड एट जीरो. लेफ्ट हैंड लिमिट स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ जीरो राइट हैंड लिमिट स्लाइटली टू द राइट ऑफ जीरो एंड एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ जीरो आई हैव टू चेक. अगर वही तीनों वैल्यूज आपकी सेम आ रही है तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा. अगर सेम नहीं आ रही तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा. इस केस में हमने क्या करना है इसको हमने री राइट कर लेना है. री राइट हमने कैसे करना है कि हमें पता है कि जो जब भी हम इस तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं कोई सपोज -3 है
तो उसका रिजल्ट मेरे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा. सपोज आई एम हैविंग दिस 5, ये जूनियर क्लासेस में यू हैव डन, रिजल्ट जो है वो मेरे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा. अब जब मैं इसको रीराइट करूंगी, रीराइट करने के लिए मैंने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, अब मेरे पास यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो सकता है या एक्स आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है. अगर आपका एक्स जो है हम लेके चलते हैं वो नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव, बट एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आई नीड द रिजल्ट टू बी पॉजिटिव. सो व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, क्योंकि मुझे रिजल्ट को पॉजिटिव बनाना है तो यहाँ पे मुझे जो भी एक्स की नेगेटिव वैल्यू होगी उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ओनली आई विल गेट द रिजल्ट एज पॉजिटिव. मैं इसी फंक्शन को रीराइट कर रही हूँ. इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज द मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए व्हेनेवर एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो सपोज माइनस थ्री है बट मुझे इसका रिजल्ट प्लस थ्री चाहिए था, तो इट मीन्स इस माइनस थ्री के आगे मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, देन ओनली आई विल गेट दिस रिजल्ट एज पॉजिटिव. तो एक्स की जो मर्जी वैल्यू हो यहाँ पे जब मैं फंक्शन को रीराइट कर रही हूँ उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आई हैव टू यूज दिस माइनस. तो जब भी आपका एक्स लेस देन जीरो है तो एफ ऑफ एक्स को आप माइनस एक्स लेके चलोगे. एक्स ऑलरेडी आपका यहाँ पे नेगेटिव है, दिस नेगेटिव इनटू दिस नेगेटिव विल ऑलवेज गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट. उसके बाद अगर एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, देन क्योंकि ऑलरेडी वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव है यू विल टेक इट एज एक्स. तो जब भी एक्स लेस देन जीरो है, एक्स नेगेटिव है, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला आपका अगर फंक्शन आता है, मॉड वाला फंक्शन आता है, तो यहाँ पे आपने एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स लेना है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए प्लस एक्स लेना है. नाउ लेट अस सॉल्व दिस. अब कॉन्टिन्यूटी हमने चेक करनी है इस फंक्शन की, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक कर रहे हैं. अब x less than 0 है, at x equal to 0 हम इसको चेक कर रहे हैं, तो we will take limit x tends to 0 from minus side. Left hand side, left hand limit means 0 from minus side. We are checking it towards the left of 0. अब जब यहाँ पे 0 of from minus side है, f of x हम लेके चल रहे हैं, तो 0 from minus side, left hand limit less than 0 के लिए this is minus x. अब जब आप इसको लेके चलोगे x की वैल्यू क्या है आपकी 0. आप चाहो तो यहाँ पे इसको 0 minus h के फॉर्म में भी ले सकते हो, बट यहाँ हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको. आई विल पुट दिस x टू बी इक्वल टू 0. 0 जो है into minus sign will again give you 0. तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ जाएगा, 0. Then at x is equal to 0, f of x आपका क्या बनेगा, f of 0 जो है वो आपका बन जाएगा, this is 0. Then right hand limit हम लेके चलेंगे. Right hand limit is limit x tends to 0 from प्लस साइड, जीरो प्लस एच यानी कि हम इसको पुट कर सकते हैं. दिस इज एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम प्लस साइड. जीरो फ्रॉम प्लस साइड मींस स्लाइटली टू द राइट ऑफ दिस जीरो वी आर चेकिंग. अब एक्स ग्रेटर देन जीरो है, जीरो प्लस एच वाला, फॉर दैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, दैट इज एक्स. सो दिस इज इक्वल टू, अगेन जब हम इसको पुट करेंगे तो दैट विल गिव यू अ जीरो. तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो दैट आंसर इज जीरो. फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे हमें चेक करना है, दैट इज अगेन जीरो. राइट हैंड लिमिट, दैट इज अगेन जीरो. यहाँ पे लास्ट में ये आपने लिखना है, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या तो आप ऐसे लिख लो, अदरवाइज यू कैन राइट डाउन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम माइनस साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू f of 0 is equal to limit x tends to 0 from plus side f of x. All these are equal. Therefore, given function is continuous. ये last में आपने जरूर लिखना है, otherwise your marks can be deducted. So do take care of this. तो आपका जो भी proper way है करने का,
इफ तो फंक्शन आपकी रीराइट हो सकती है देन यू आर टू रीराइट. सिर्फ मॉड वाले केस में मोस्टली हम इसको रीराइट करते हैं. अदरवाइज लेफ्ट हैंड लिमिट लो, राइट हैंड लिमिट लो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ये ध्यान रखना है कि एट एक्स इज इक्वल टू सम पॉइंट आपको अगर गिवन है तो आपने ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं. आगे आपके क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको पॉइंट गिवन नहीं होगा, आपको थॉरली जो है उसको हर नंबर पे चेक करना होगा. उसके लिए इस केस के साथ दो केसेस और हमें करने पड़ते हैं, दैट वी विल डू लेटर ऑन. पहले एक ये वाली टाइप हम डिस्कस करेंगे. तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे पहले आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, देन राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट ऑफ दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तीनों अगर इक्वल आ रही हैं तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. तीनों में से अगर एक भी पार्ट आपका नॉट इक्वल टू आ रहा है बाकी दो, देन ऑल्सो यू विल से दैट द गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस. नेक्स्ट हमने चेक करने हैं, हमें गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू f of x is equal to x cube plus 3 if x is not equal to 0. And if x is equal to 0, then this is 1. We have to check if this is continuous at x is equal to 0. Again, at x is equal to some value mujhe given hai, it means I have to check the continuity of this function. At x is equal to 0. So 0 पे जब हमने इसको check करना है, slightly to the left of 0, slightly to the right of 0 and at 0. अब x not equal to 0 means x less than के लिए भी, 0 से less के लिए भी और 0 से greater के लिए भी. यानी कि x negative के लिए भी हमने x cube plus 3 लेके चलना है, x की positive values के लिए भी x cube plus 3 लेके चलना है. When x is equal to 0, then the value of the function is 1. तब हमने value of the function जो है वो 1 लेके चलना है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेंगे. इसमें जो है आपका, क्योंकि ये आपको एक गिवन है, एल्जेब्रिक फंक्शन गिवन है और यू कैन से कि दिस इज अ पॉलिनोमियल गिवन टू यू. तो पॉलिनोमियल जब भी हमें गिवन होते हैं दैट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से कर लो, बट यहाँ क्योंकि हमारा रिजल्ट दोनों केसेस के लिए सेम आएगा तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं. व्हेन x is not equal to 0, तो लिमिट x tends to 0. यहाँ पे हम माइनस प्लस कुछ भी शो नहीं करेंगे. f of x is equal to लिमिट x tends to 0, f of x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एंड दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू आप पुट कर दोगे, दैट इज 0 प्लस 3 इक्वल टू 3. यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आएगी, f of x की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 दैट विल बी इक्वल टू 3. नाउ व्हेन x is equal to 0. जब आपका x equal to 0 है तो f of 0 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1. अब यहाँ पे जो 3 है और यहाँ पे जो 1 है आपका, सिंस 3 इज नॉट इक्वल टू 1, आपका 3 जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, सो द गिवन फंक्शन जो है दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस. अब यहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूटी जो है इसकी दैट इज रिमूवेबल, इसको हम रिमूव कर सकते हैं इफ वी मेक अ लिटिल चेंज इन द स्टेटमेंट. कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर मैं यहाँ पे वन की जगह थ्री कर देती हूँ, कि जो अगर फिक्स वैल्यू है इसकी अगर मैं उसको चेंज कर देती हूँ, देन यहाँ पे भी आपका थ्री आ जाएगा. ये थ्री और ये थ्री इक्वल है, इन दैट केस द फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूस. तो ये जो आपकी है डिसकॉन्टिन्यूटी है, दिस इज रिमूवेबल. अगर मैं इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर देती हूँ तो ये वैल्यू आपकी 3 दे देती हूँ मैं इन प्लेस ऑफ दिस 1. तो आपका ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट तीनों सेम हो जाएंगे. इन दैट केस द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस. लेकिन जो हमें यहाँ पे गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम चले, तो सिंस 3 इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर आपका जो फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0 दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस. नाउ मूविंग ऑन टू दिस डेफिनेशन, अगर हम इसको लेके चलते हैं डेफिनेशन इसकी जो है, तो हम ये कह सकते हैं कि f अगर हमें कोई भी रियल फंक्शन गिवन है, f हमें कोई भी फंक्शन अगर गिवन है रियल नंबर्स के किसी भी सबसेट पे, और हम ये कहें कि c जो है वो इसके डोमेन में कोई पॉइंट है, देन वी विल से दैट लिमिट x टेंड्स टू c f of x जो है दैट इज इक्वल टू f of c.
अगर हम कहें कि ये है तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन है दैट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी. एक्स इज इक्वल टू सी पे आपका जो फंक्शन है दैट इज कॉन्टिन्यूअस व्हेनेवर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी. उसके बाद नेक्स्ट हम लेके चलते हैं. तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो हर पॉइंट पे जो है आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बट अपने डोमेन के अगर अंदर हम उसको चेक करें तो इन इट्स डोमेन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. नाउ सी एग्जाम्पल 9 है ये आपका पेज नंबर 151. हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स वेयर वी आर गिवन दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. अब एक्स जो है नॉट इक्वल टू 0 यानी कि अगर एक्स 0 हो जाता है तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो वो कंडीशन उन्होंने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स के लिए. हमें क्या गिवन है एक्स जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. अब x not equal to 0 के अलावा अगर हम इसको चेक करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे जब मैं इसको लेके चलूंगी लिमिट x tends to c लेके चलूंगी अगर मैं इसको क्योंकि x not equal to 0 मुझे यहाँ पे दिखेगा तो f of x जो है मेरा वो क्या बन जाएगा 1 by c. अब ये 1 by c जो बन गया यहाँ पे तो इट मींस ये क्या कंडीशन आ रही है कि लिमिट x tends to c f of x जो है that is equal to f of c. जहां x था उसको मैंने replace कर दिया दोनों जगह पे c से तो ये क्या आ गया आपका 1 by c. limit x tends to c f of x is equal to f of c. अब अगर मैं देखूं तो according to the definition ये जो function है आपका वो continuous है. कहां पे continuous है at every point in its domain. ये सिर्फ छोड़ के बाकी सब इसका डोमेन है. x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. x की हम कुछ भी वैल्यू लें चाहे हम उसको 1 लेते हैं चाहे 2 लेते हैं चाहे 3 लेते हैं. लेट अस सपोज कि हम x को 1 लेके चल रहे हैं तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय x. मैं चेक कर रही हूँ एट x इज इक्वल टू 1. अब x इक्वल टू 1 यानी कि मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट ली 1 फ्रॉम माइनस साइड लेके चलूंगी मैं 1 अपॉन दिस इज x. अब 1 फ्रॉम माइनस साइड है तो इसको मैं रीराइट कर सकती हूँ दिस यू वुड हैव डन इन योर प्लस 1 कि h टेंड्स टू 0. मैं अब क्या कर रही हूँ क्योंकि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट में कैलकुलेट कर रही हूँ तो आई एम पुटिंग दिस x इज इक्वल टू 1 माइनस h क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रही हूँ. x टेंड्स टू 1 फ्रॉम माइनस साइड का जो यहाँ पे वैल्यू होती है दैट माइनस h कर देते हैं हम. अब जब आपका x जो है वो 1 को अप्रोच करेगा तो आपका h किसको अप्रोच करेगा 0. तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया लिमिट h टेंड्स टू 0. दोबारा देख लो इसको यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू होगी यानी कि लेट अस सपोज कि मुझे यहाँ पे a माइनस तो मैं क्या करूंगी जब मुझे इसको पुट करना है पुट x इज इक्वल टू इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ किससे रिप्लेस करना है जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है. लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस का साइन आएगा और h. अब जब x टेंड्स टू a है जब मैं x को a से रिप्लेस करूंगी तो मेरा h हमेशा किसको अप्रोच करेगा 0. तो यहाँ पे ये क्या बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h. जहां पे भी आपका वो x यूज हो रहा होगा वहां पे आप उसको a माइनस h से रिप्लेस कर देते हैं. यहाँ पे 1 अपॉन x था x किससे रिप्लेस किया मैंने 1 माइनस h से तो दिस विल बिकम 1 अपॉन 1 माइनस h. अब h किसको अप्रोच कर रहे हैं h इज अप्रोचिंग टू 0 तो h को मैं 0 से रिप्लेस करूंगी तो दिस विल बी इक्वल टू 1 यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या आ गया यहाँ पे 1. अब मैं राइट हैंड लिमिट चेक करती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम प्लस साइड f ऑफ x अगेन फंक्शन हमारा क्या है 1 बाय x तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया x tends to 1 from plus side this is 1 upon x. अब 1 from plus side में अगेन सेम चीज हमने यहां पे करनी है
क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू वन प्लस जो भी यहाँ पे नंबर है, अगर ए है तो ए प्लस एच, टू है तो टू प्लस एच, लेकिन मुझे यहाँ पे वन भी बने तो मैंने इसको पुट कर लिया वन प्लस एच। अब एच टेंस टू क्या आएगा वो चेक करने के लिए एक्स को क्या पुट करना है, जो यहाँ पे नंबर, तो एक्स को मैंने वन से रिप्लेस किया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जब एक्स वन को अप्रोच कर रहा है तो एच किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो। तो योर नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन वन प्लस एच, वन अपॉन वन प्लस एच, अगेन एच को जीरो पुट कर दो, वन बाय वन जो है दैट इज अगेन इक्वल टू वन। अब एट एक्स इज इक्वल टू वन अगर मैं लेके चलती हूँ तो एफ ऑफ वन यहाँ पे भी वन से रिप्लेस करोगे, वन बाय वन इज अगेन वन। तो ये फंक्शन जो है एट एक्स इज इक्वल टू वन आपका कॉन्टिन्यूस बन गया। ये सारे पॉइंट्स आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है, आपको बताया है कि कैसे यहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। हमने सिंपल इसको लिख देना है कि एक्स जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वन जो है दैट मीन द कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिवाइडेड बाय अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। कंडीशन मुझे गिवन थी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स जो है वो इस फंक्शन का डोमेन है, और ये फंक्शन जो है वो अपने डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो वी विल से कि दिस फंक्शन जो है दैट इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, डोमेन में इसके एक्स जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा, यहाँ हमें क्लियर करके गिवन है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाए। तो ये आपकी सेकेंड डेफिनेशन बनती है कि सम टाइम जो फंक्शन है वो आपका अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है, अगर डोमेन के बाहर हम देखें तो दैट मे नॉट बी द कॉन्टिन्यूस फंक्शन। Now moving on to the next question. अब next question में हमें given है discuss the continuity of the function. अच्छा अब ये जो मैं आपको कह रही थी कि जहां पे आपको point नहीं given है अब हम वो वाला case देखते हैं। अभी तक हमने जो questions किए हैं plus one के भी even जो आपने किए थे वहां पे at x is equal to some point आपको given होता था, यहाँ पे जो है अब आपको point given नहीं होगा और आपको हर वैल्यू जो है वो चेक करनी है। अब जैसे मुझे क्वेश्चन गिवन है इफ एक्स इज लेस देन वन, उससे पहले ये चीज एक बार रिकॉल कर लेते हैं अगर आपको नहीं करवाई गई है फ्रीक्वेंसी, हमारे पास जब भी एक कॉन्स्टेंट फंक्शन गिवन होगा दैट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये हम एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर लेते हैं। Then polynomials are always continuous. You can also say that being an algebraic equation, this is always continuous. Algebraic polynomial. Then exponential, logarithmic. ये अपने domain में आएंगे logarithmic वाले functions जो हैं, या जो t ratios होते हैं आपके sine हो गया, cos, tan, secant, cosec, and cot. All of these are continuous in their domain. तो इनके जो results हैं वो हम directly जो है write down कर सकते हैं। One mark question अगर आपका आता है तो you can instead of showing this you can straightforward write down the being a constant function this is always continuous, being a polynomial this is always continuous, जो भी type आपको given होगी जिस type का function आपको given होगा, being an exponential this is always continuous in its domain, तो ये आप one mark में direct लिख सकते हो। उसके बाद मान लो आपको अगर f और g दो continuous functions given है, then sum of two continuous functions is always continuous. Same way, difference of two continuous functions is always continuous. Product and division. दो continuous functions अगर मुझे given है f of g, चाहे मैं उनका sum ले रही हूँ, चाहे मैं उनका difference ले रही हूँ, product ले रही हूँ या divide कर रही हूँ एक function को दूसरे function से, तो जो मेरा resultant function आएगा that will always be continuous. Condition क्या है?
एफ और जी दीज बोथ शुड बी कॉन्टिन्यूस. अगर इनमें से एक भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो वी कांट से इनका जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिविजन है वो कॉन्टिन्यूस होगा. रिजल्ट कॉन्टिन्यूस होने के लिए बोथ ऑफ दीज फंक्शंस शुड बी कॉन्टिन्यूस. अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं मुझे गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इफ एक्स इज लेस देन वन इफ एक्स इज इक्वल टू वन देन वी आर गिवन दिस फंक्शन टू बी इक्वल टू जीरो. And it is given to be equal to x minus 2 if x is greater than 1. अब देखो यहाँ ध्यान देना. यहाँ पे मुझे x less than 1 के लिए different function given है, x equal to 1 के लिए different value given है, x greater than 1 के लिए different value given है. अब यहाँ पे जो है जब इस तरह का question आता है इसके साथ मुझे यहाँ पे at x is equal to 1 नहीं given है, ये ध्यान रख. यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना गिवन है चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन या फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस. एट एक्स इक्वल टू वन या एट एक्स इक्वल टू टू कुछ भी यहाँ पे नहीं गिवन है, यानी कि एट वाली टर्म मुझे एट वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ नहीं गिवन है. जब एट एक्स इक्वल टू सम पॉइंट आपको नहीं गिवन होता इट मीन्स मुझे एक्स की सभी वैल्यूज के लिए हर रियल नंबर के लिए इसको चेक करना पड़ेगा. उसके लिए अब मेरे तीन केसेस बनेंगे. केस वन, केस टू एंड केस थ्री. केस वन जो मैं लेके चलूंगी दैट इज फॉर एक्स लेस देन वन. केस टू x is equal to 1, case 3, x is greater than 1. x equal to 1, x equal to 1, ये सेम जैसे आप करते आए हो, स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 1 आप चेक करोगे, स्लाइटली टू द राइट ऑफ 1 चेक करोगे, x equal to 1 पे चेक करोगे. जैसे अभी तक हम नॉर्मल क्वेश्चंस करते आए हैं ये केस आपका वैसे होगा. लेट अस सॉल्व दिस फर्स्ट. लिमिट x tends to 1 from minus side. 1 from minus side means slightly to the left of 1. Less than 1 wala case aa jayega. So less than 1 means we are to replace this with x plus 2. Ab kyunki x less than 1 ke liye function aapka alag hai to 1 plus h ya 1 minus h humne put nahi karna. We will directly replace it with 1. So jab aap isko put kar doge to your result will be 1 plus 2 that is 3. अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं. फॉर दैट द गिवन फंक्शन इज एक्स माइनस टू. तो जब मैं एक्स को वन पुट करूंगी, वन माइनस टू इज माइनस वन. लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा. एक्स इक्वल टू वन पे भी हम ले लेते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू जीरो. लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वन नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. Therefore, f of x is not continuous at x is equal to 1. तो ये तो हमारा जो हम नॉर्मल करते थे वो हो गया. लेकिन हमने सिर्फ एट x इक्वल टू 1 चेक नहीं करना था इसको, हमने जो इसको चेक करना है दैट इज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. तो ये वाला केस x लेस देन 1 भी शो करना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 1 भी शो करना पड़ेगा. फॉर x लेस देन 1 तो f of x for all values which are less than 1 मुझे f of x क्या गिवन है, x plus 2. यहाँ पे पूरा नहीं करके दिखाना, यहाँ पे हम सीधा यहाँ लिख देंगे being a polynomial function f of x is continuous for all x less than 1. यानी कि x less than 1 के लिए ये वाला आपका जो फंक्शन है दैट इज कॉन्टिन्यूस. सेम वे में x greater than 1 के लिए हम लिख देंगे f of x
इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए वी आर गिवन द फंक्शन एज x माइनस 2. तो अगेन यू विल राइट डाउन बीइंग अ पॉलीनोमियल फंक्शन f of x is continuous for all x greater than 1. अब उसने क्या कहा था हमें, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. देखो x less than 1 के हर पॉइंट के लिए, x जहां पे भी less than 1 है हर पॉइंट के लिए वी आर सेइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. ग्रेटर देन 1 के लिए वी आर सेइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. बट एट x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस. यानी कि x equal to 1 is the only point at which the function is discontinuous. So last में overall answer आप ये लिखोगे, x equal to 1 is the only point of discontinuity. So this was your question. Let's see this once again. As the time is just 1 minute left, so quickly recall this. f of x हमें given है x plus 2 for x less than 1, x equal to 1 के लिए this is 0, x greater than 1 के लिए this is x minus 2. हमें यहाँ condition नहीं given है that at x equal to 1 हमें continuity check करनी है. तो हमें x less than 1 के लिए, x equal to 1 के लिए और x greater than 1 के लिए, जब भी at x equal to some value नहीं given है, ये तीन cases आपको show करने हैं. Case 1, x less than 1. x less than 1 means हर वैल्यू 1 से लेस है, तो एक फंक्शन रह गया हमारे पास x plus 2. अब being a polynomial function, this is always continuous. तो फंक्शन आपका f of x जो है, that is continuous for all x less than 1. x greater than 1 के लिए this is x minus 2. Again being a polynomial function, this is always continuous. Third case, at x is equal to 1. x equal to 1 में we are to check, जब हम एक specific point पे इसको check करते हैं, we are to check the left hand limit, right hand limit and the value of फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो अगर x इक्वल टू 1 है तो 1 फ्रॉम माइनस साइड, 1 फ्रॉम माइनस साइड मींस लेस देन 1 हो गया. आप यहां पे थे x इक्वल टू 1, 1 फ्रॉम माइनस साइड मींस यू हैव शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ 1, यानी कि 1 से वैल्यू छोटी हो गई. अब 1 से जब वैल्यू छोटी हुई तो फंक्शन आपका x प्लस 2 यूज करोगे, 1 से जब वैल्यू आपकी बड़ी होगी फंक्शन x माइनस 2 यूज करोगे. एट x इक्वल टू 1 यू आर गिवन दिस टू बी इक्वल टू 0. तीनों वैल्यूज ये आपकी अनइक्वल आ रही हैं, सो द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस और ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी जो है दैट इज x इज इक्वल टू 1. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन. नाउ इन द होमवर्क पार्ट्स यू आर टू ट्राई फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1. अदरवाइज इफ यू विल बी हैविंग एनी डाउट्स, सो आई विल आस्क दिस टुमारो. So thank you. Have a nice day. If any child is having any doubt, you can ask.